नमस्कार दोस्तों, मैं उसी अभिषेक पनारा और आज हम आए पूर्व आइसलैंड में और यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे केरला टूर के बारे में। हम 6 दिनों से 7 दिनों से आई थिंक वीक से यहाँ पे और पूरा का पूरा मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे केरला टूर में आना चाहिए तो फिर कैसा होटल का बुकिंग रखना चाहिए, कैसा नहीं रखना चाहिए, कैसा यहाँ पर प्लेसेस है, कौन सी जगह विजिट करने जैसी है, कौन सी जगह विजिट नहीं करने जैसी। इसको हम हिंदी में और इंग्लिश में भी डब में लॉन्च करने वाले हैं, इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, शायद ये वीडियो लाइव हो जाए। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं केरला टूर विथ मी एंड माई टेबल ऑफ कंटेंट। क्या है इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ, क्या शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे केरला में कौन सी प्लेसेस हैं जो विजिट करने लायक है, वहाँ पे आपको क्या ले जाना चाहिए, टूर ऑपरेटर के थ्रू जाना चाहिए, अपने हिसाब से जाना चाहिए, कौन सी जगह पे कैसा खाना मिलता है, कौन सी जगह पे कैसा कपड़े पहनने चाहिए। इन डिटेल पूरा का पूरा रिव्यू मैं आपको इस वीडियो में दूँगा। तो जो कुछ भी क्वेश्चंस आपके रिगार्डिंग द टूर होंगे वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे इस वीडियो में। गए थे कोचीन वन डे बिफोर हमारा जो टूर है वो स्टार्ट होने वाला था उसके पहले। ये हमारा जो आपको फोटोज दिख रहे हो एयरपोर्ट के लुक से, बाद में है जो है वो फॉल्स लोर म्यूजियम। ये जो आपको फोटो दिखेगा इट्स अ वेरी गुड म्यूजियम। अगर आप केरला की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, वहाँ पर कैसे कौन से स्टोन यूज़ हुए या फिर किस टाइप का आर्किटेक्चर था उनका, ये जो पूरा अगर आप देखना या जानने में इंटरेस्टेड हो तो ये म्यूज़ियम आपको विजिट करना चाहिए कोचीन में। मैं यहाँ पे आपको एड्रेस भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। फिर ये जो फोटोज़ आपको दिख रहे हुए मरीन ड्राइव के, केरला मरीन ड्राइव कोचीन मरीन ड्राइव सॉरी बेस्ट प्लेस टू विजिट। जैसे मुंबई में वैसे यहाँ पे मुंबई में हमको सबसे ज़्यादा पता होता है क्योंकि मूवीज़ में दिखाई देता है। तो ये जगह भी एक ऐसी है मरीन ड्राइव में जो देखने जैसी है। ये हमारे कुछ फ़ोटोज़ है, यहाँ पे लुलू मॉल का जो बैकयार्ड है, लुलू मॉल का जो पीछे वाला जो है वो पार्टी लॉन्च की लाइट आपको जो दिख रही है, लाइट्स वहाँ से आ रही है। तो यह था हमारा वन डे बिफोर इन द कोची जब हम थे मुन्नार टेकरी पर। ये देखने जाओ तो छोटा सा स्वर्ग है, देखने के लिए बहुत अच्छी जगह है। और ये जो आपको फोटोज़ दिख रहे हैं वो है वलारा वाटरफॉल्स के, जो बीच में रास्ते में आता है जब जो है वो गाड़ी धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही होती है तब रास्ते में दिखाई देगा। ऐसे 2-3 अलग अलग वाटरफॉल्स हैं, हो सकता है पानी सूखा भी हो पानी ना भी हो जगह इस जगह पे जाए। बाद में जो फोटोज़ है वो ये स्पाइसेस गार्डन के, स्पाइसेस गार्डन कई सारे स्पाइसेस गार्डन है जहाँ पर नेचुरल ट्रीज और नेचुरल फ्लावर्स और सब चीज़ों को कैसे उगाया जाता है, कैसे उसका क्या हेल्पफुल है, उसको कैसे बेनिफिट्स उसके कितने हैं, कहाँ कहाँ तक उसका बेनिफिट कैसे यूज़ करना है, वैसी जो जितनी भी डिटेल हम जो देख रहे हैं उसको ऑथेंटिक आई टू आई कॉन्टेक्ट से हम देख सकते हैं। बाद में टी प्लांटेशन, ये आपको बहुत जगह पे मिलेगा केरला में देखने के लिए। ये जो हमारा फोटोज है टी प्लांटेशन जो है वो पूरा एक टेकरी पे ही होता है, पहाड़ पे ही होता है, ये ऑन फ्लोर पे नहीं होता है। उसके लिए पानी जो है वो मूव करने की जगह होनी चाहिए टी प्लांटेशन में, वैसा उसका एक टेक्निकल पॉइंट रहता है। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है ये रिपल वाटरफॉल। रिपल वाटरफॉल बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है देखने के लिए जाने के लिए। ये जो आपको फोटोज दिख रहे हैं एक्सीलेंट व्यू पॉइंट फॉर द फोटोग्राफी लवर्स ऑल्सो, वीडियो भी आप यहाँ पे बहुत अच्छा रील वगैरह भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। और हमने यहाँ पे जो फिश पकड़ा थे उसका एक्सपीरियंस किया हमने दोनों भाइयों ने, ये आप देख सकते हो। हमारी बीबिया जो है वो नो सी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस और सिर्फ हम दो भाई गए थे। सो ये वाला जो फोटो भी आपको दिखाई देंगे बाद में, जो आपको ये पूरा लुक दिख रहा है दिस इज़ अमेजिंग, आप इसको आँखों से देखिए, इसकी मज़ा कुछ अलग है वीडियो के अलावा। बाद में जो ये इको पॉइंट, यहाँ से आवाज़ सुनाई देती है जो 90s में 70s में 80s में जो बॉलीवुड मूवीज़ में जो हम देखते थे राज कपूर शमी कपूर वगैरह मूवी में, ऐसे पॉइंट को दिखा के हीरो हीरोइन का नाम लेता था ऐसा सब कुछ हम देख रहे थे वो वाली चीज़ यहाँ पे। और यहाँ पे भी फोटो पॉइंट भी बहुत अच्छा है, थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है क्योंकि पानी सीधा टच होता है गहराई की वजह से। और इस यहाँ से ही जितना जो ये नीचे है इसके अगर ऊपर जाया जाए तो ये है सन पॉइंट। ये जो सन पॉइंट है वहाँ से आप सनराइज एंड सन फॉल दोनों देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे भी बहुत सारे फोटोग्राफी के लिए भी बहुत अच्छे लोकेशन से देखने वाली बात, ये जो आप फोटोग्राफ्स देख रहे हो अगर ये आप सिनेमेटिकली फ़ोन को यूज़ करना जानते हैं तो आप सिर्फ फ़ोन से ही इतने अच्छे फोटोग्राफ्स ले सकते हो, ऐसा कोई कैमरा वगैरह ले जाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और ये एम्बर डल होटल जहाँ से ये पूरा व्यू आपको दिखाई दे रहा है, ये डे का व्यू और ये नाइट का व्यू, इट्स अमेजिंग व्यू देयर। और बहुत ही ऊँचाई पर है ये होटल जो है वो। इसके बाद हम आए दूसरे दिन में, दूसरे दिन मॉर्निंग में मट्टू पिट्टी लेक,
इडुक्की, ये जो जो है वो बोलने में नॉर्थ इंडियन पीपल को भी दिक्कत होने होगी, वैसे जो वर्ड्स है यहाँ पे बहुत ही अच्छा। ये हिल के ऊपर लेक है, बहुत ही सुंदर नज़ारा, पानी, साफ पानी, पानी तो पानी लेकिन साफ पानी। उसके बाद हम देखेंगे तो ये रिपल टी फैक्ट्री, चाय की, चाय की पत्ती में से चाय कैसे बनती है, चाय का पैकेजिंग कैसे आता है, उसका पूरा ये प्लांट है, उसको विजिट करने जा सकते हैं आप। विजिट करना चाहिए, देखना चाहिए ये कैसे होता है प्रोसेस। इसके अलावा तो मुझे पता नहीं शायद इंडिया में कहाँ पर है, इतना ऑथेंटिक आप उसको देख सकते हो। इसके बाद आप एलिफेंट सफारी कर सकते हो, एलिफेंट राइड कर सकते हो। ये जो हमारा है कुछ फ़ोटोज़ है, इट्स अमेजिंग। ये जो केरला का जो इम्बलम है, जो चिन्ह है, उसमें भी एलिफेंट को दिखाया जाता है। और एलिफेंट केरला गॉड्स ओन कंट्री जो यूज़ होता है टैगलाइन, अगर इसको आप एक्सपीरियंस करोगे तो आपको दिखेगा कि नहीं सही बात है, केरला गॉड्स ओन कंट्री है। ये फ्लावर गार्डन के फोटोज आपके सामने कुछ आ रहे हैं। जल्दी जल्दी मैं इसलिए बता रहा हूँ, वीडियो को हम बने जितना ट्राई करेंगे कि कम हो, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। ये फ्लावर गार्डन भी वहाँ पे आपको मुनार में मिलेगा, और बहुत सारी टाइप के फ्लावर, इसको आप खरीद भी सकते हो, लेकिन हमारे जैसे जो लोग बहुत दूर से आए उनके लिए थोड़ा दिक्कत होगा इसको कैसे घर तक पहुँचाया जाए। और बहुत सारे टाइप्स ऑफ फ्लावर्स यहाँ पे भी, फोटोग्राफी होने के लिए तो बहुत सारे स्कोप है। जहाँ भी जाएंगे वहाँ फ़ोटो आप अच्छे से अच्छा क्लिक कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल्स। बाद में ये है जो ब्लॉसम हाइड्रल पार्क, एक बहुत ही बड़ा पार्क है, बैठने के लिए, आराम से देखने के लिए, जो पूरा नेचुरल ब्यूटी आपको दिखाई देगा, अच्छे से अच्छा प्री वेडिंग का फोटोशूट भी आप इधर कर सकते हो। और ये था हमारा दो दिन का पूरा, हम थे यहाँ पे 25th and 26th February इन द मुनार, 27th February ठेकड़ी में। ठेकड़ी में जो है वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव रिव्यूज़ या फिर सबसे ज़्यादा जो है वो रिव्यूज़ आपको ऑनलाइन मिलेंगे कि यहाँ पे इतना कुछ नहीं है जितना जो देखने के लिए होता होना चाहिए ऐसा सब कुछ। तो ये जो आप फोटोज़ देख रहे हैं, ये हैंडलूम शॉप का जो है वो पूरा फ़ोटो और वीडियो आपको दिखाई दे रहा है। हैंडलूम मटेरियल्स आप साड़ी वगैरह, ड्रेस वगैरह खरीद सकते हैं। नॉर्थ इंडिया से है तो आपका जो टेस्ट थोड़ा अलग होगा, लेकिन वी शुड ट्राई डिफरेंट कल्चर, ऐसा मेरा मानना है। रास्ते में ये जो है वो लॉर्ड गणेशा का स्टैचू पड़ता है, वंदना मेडू, वो उसको कैसे प्रोनाउंस किया जाए, आई डोंट नो, आई थिंक इट्स रॉन्गली प्रोनाउंस्ड, लेकिन यहाँ पे आपको ये मिलेगा। ये जो लोकेशन में है, लोकेशन भी आपको टेक करके रखा हुआ है, और ये बहुत ही अच्छा प्लेस है। ये बीच में रास्ते में आता है तो इट्स बेटर आप वहाँ पे खड़े रहे, थोड़ा जूस व्यूस पिए। और जूस के बाद खाने पीने की बात हो रही है तो खाने पीने की बात में मैं ज़्यादा बोलना चाहूँगा, यहाँ पे बहुत से अच्छा खाना मिलता है, लेकिन नॉनवेज ज़्यादातर है, लेकिन ऐसा नहीं कि वेज नहीं मिलेगा, वेज भी मिलता है। तो कोई ऐसा नहीं है कि वेज नॉनवेज वाला इश्यू है, लेकिन वहाँ का टेस्ट थोड़ा अलग है। अगर आप डिफरेंट टेस्ट करने में या फूडी टाइप के हो जैसे मेरे जैसे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे साथ तीन और लोग थे, वो मेरे जैसे नहीं थे, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत उनके लिए है। बाकी जो मेरे जैसे है फूडी टाइप लोग, जो कुछ भी है आने दो, खाने दो, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। आगे जाएंगे हम पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो सबसे बड़ा यहाँ का अट्रैक्शन है ठेकरी में देखने के लिए। जैसे हम दिखाई देता है कि टाइगर वगैरह दिखता है, उतना सब कुछ तो नहीं दिखता है, लेकिन अगर आपका नसीब अच्छा है तो आपको एलिफेंट या फिर दो तीन जानवर दिख जाएंगे। ये देखने जाओ, अगर आप चाहो तो इस जगह को आप स्किप कर सकते हो। यहाँ पर यहाँ का जो म्यूज़िकल प्रोग्राम या फिर मार्शल आर्ट प्रोग्राम्स भी होते हैं, इस टाइप के एक्टिविटीज़ में अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो अगर आप चाहो तो इस पेरियार को या फिर अपने ठेकरी को स्किप कर सकते हो, कुछ कोई और भी जो लोकेशन है उसको पसंद कर सकते हो। यहाँ पे जो हमारा वो होटल था, वो था मेरी वेदर। ये बहुत ही प्राइम लोकेशन देखने वाइज, फील करने वाइज, और जो पूरा व्यू मिलता है वहाँ से, ये आप जो व्यू देख रहे हो डे एंड नाइट वाला व्यू, दिस इज़ अमेजिंग। और फ्लाई ठेकरी करके यहाँ पे जो बलून है ये मिलेगा, दिस इज़ ऑल्सो गुड एक्सपीरियंस अगर आपने अभी तक नहीं किया। मेरा तो ये फर्स्ट टाइम था, हम जितने भी लोग थे हमारे लिए ये फर्स्ट टाइम था। सो दिस इज़ फॉर द डे ऑफ द ठेकरी, है वो केरला का सबसे एडवेंचरियस प्लेस अगर आप इसको एडवेंचर मानते हो तो। एलप्पी में हम पहुँचे हैं, एलप्पी में है यहाँ पे बोट हाउस।
ये जो आपको बोट हाउस दिख रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, नॉर्मल से लेके लग्जरी एसी वगैरह भी इसमें होते हैं। हमारा जो है बोट हाउस है, ये बोट हाउस का टूर मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। यहाँ से ये जो दो कपल के लिए था, हम दो कपल थे साथ में, तो दोनों दोनों डिफरेंट रूम जिसमें आप एसी भी इंक्लूडेड है, और प्रॉपर तरीके से बेड, प्रॉपर जो है वो आपका जो पैकेजिंग का सामान है, जो आपका कपड़े वगैरह फूड वगैरह वो भी यहाँ पे रख सकते हो आराम से, जो आप अपने साथ लाए हो। और यहाँ पे लंच डिनर ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पे बनता है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियन बनेगा, नॉन वेजिटेरियन हो तो नॉन वेजिटेरियन बनेगा। हम तो साथ में मैगी भी लेके आए थे रास्ते से, मैगी भी उन्होंने बना दी थी। सो दिस इज कूल, वैसे कुछ डिस्कम्फर्ट वाला मामला नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बजट अपना इस चीज़ में थोड़ा सा हाई रखिए। बोट हाउस में वो रिकमेंडेड है, क्योंकि बोट हाउस में कभी कभी जो लोअर बजट की बोट हाउस होती है उसमें अगर फैमिली के साथ जा रहे हैं, कपल के साथ जा रहे हैं, तो जो छोटे छोटे जो इंसेंस है उसका इश्यू आ सकता है, तो ये थोड़ी सी देखने वाली बात है। बाकी यहाँ पे जो आपको सब कुछ दिखाई देने पड़ेगा, पानी में से आजू बाजू में जो गाँव है वो दिखाई देगा, गाँव के लोग जो काम कर रहे हैं वो। दिस इज़ अ पीसफुल एनवायरमेंट। यहाँ पे आप इतना एडवेंचर एक्सपेक्ट मत कीजिए, लेकिन दिस इज़ एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। अलग अलग टाइप का एक्सपीरियंस करना चाहिए, वैसा भी ये एक एक्सपीरियंस है। एंड बोट हाउस बहुत ही बढ़िया है, जो हम खाना खा रहे हैं, एवरीथिंग इज कूल। और फोटोग्राफी भी बहुत अच्छी तरह से आप कर सकते हो, जो सन पॉइंट्स आएगा। दूसरे दिन सुबह आप 9 बजे तक यहाँ पे होंगे, अगर आप यहाँ पे चेक इन किए हो 12 बजे तक आज, तो कल सुबह 9 बजे तक आप यहाँ पे रहोगे। और यहाँ पे देखने जो बहुत बड़ी बात है, जो सरप्राइजिंग एलिमेंट है, वो ये है अमूल। देख सकते हो आप अमूल की जो है वो हमारा आइसक्रीम ऑन दी बोट, ये ऑन दी बोट लाइफ एक्सपीरियंस है। ऐसी ऐसी अलग अलग चीज़ें भी जो है वो बाहर से भी आती हैं। यहाँ पे आप स्पीड बोटिंग भी कर सकते हो, यहाँ पे आप बोटिंग का जो दूसरे जो एक्सपीरियंसिस है उसको भी ले सकते हो। केरला में क्या है, जहाँ जहाँ भी पानी आपको मिलेगा ना, वहाँ पे स्पीड बोटिंग और सारी की सारी सर्विसेज मिलेगी। ये रिकमेंडेड है आप सिर्फ मुन्नार में करके आए। मुन्नार में जो आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो दूसरी और जगह पर नहीं मिलेगा, तो ये आप चाहे तो भी कर सकते हैं और आउट भी कर सकते हैं इस चीज़ को। और बाकी कोई ऐसा जो पॉइंट है जो आप जानना चाहते हो बोट हाउस के बारे में, तो आप मुझे यहाँ पे इस वीडियो में कमेंट भी कर सकते हो। दिस वॉज 4th डे 28 फेब्रुआरी ऑन बोट हाउस। जब अलपी से पुआर जाते हैं तो रास्ते में कई सारे जो गांव आते हैं, वहाँ का एक गाँव है पम्बनार, पम्बनार करके गाँव है। मेरा प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा से ज़्यादा गलत ही होगा, सॉरी फॉर दैट, नो हार्ड फीलिंग्स। यहाँ पे आप कई गांव में देखे गए तो रबर ट्री, पूरा का पूरा गांव है, जो पूरा एरिया है वो रबर ट्री उसमें होगा, दिखाई दे रहा होगा। कई गांव में देखेंगे तो पूरा का पूरा टी का एरिया, जो चाय पत्ती का है, वो आपको प्लांटेशन दिखाई देगा। ये भी अगर आप गाड़ी में बैठे हो, अगर सोए नहीं है जग रहे हैं आप, तो आपके लिए देखने वाली ये भी बहुत अच्छी जो ऑन रोड ऑन साइट एक्सपीरियंस है। वहाँ पे आप खड़े रह के भी वो पूरा एक बार आराम से इस चीज़ को देख सकते हो। नाउ वी आर एंटरिंग टू दी पुआर आइसलैंड प्लेसेस। दिस इज़ 1 मार्च वी आर इन पुआर, और ये बहुत ही ग्रेट एक्सपीरियंस है अगर आप नेचर और ब्यूटी को एडमायर करते हो। ये जो हम देख रहे हैं, हम पुअर बैक वाटर्स में, कोवालम बीच में। यहाँ पे जो है वो एक दो मूवीज़ का भी शूटिंग हो चुका है, एनाकोंडा मूवी है उसका भी एक शूटिंग हो चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे हम जो चारों का फोटो आपको अभी दिख रहा होगा, यहाँ से आपको ऐसी एक छोटी सी बोट, पूरा का पूरा बैक वाटर है उसको, उसमें घुमाती है। वहाँ पे आपको नदी में तैरते हुए सांप भी दिखाई देंगे, बर्ड्स भी दिखाई देंगे, किंग फिशर अभी तक मैंने लाइव नहीं देखा था, यहाँ पे किंग फिशर लाइव देखा है। जो बोटमैन था वो बहुत ही अच्छा था, उसने पकड़ लिया कि यहाँ पे है, और धीरे धीरे बोट बाजू में ले जाते हैं, फिर हमको दिखाते हैं। ये पूरा व्यू बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे अलग अलग टाइप का जो टनल है उसका भी व्यू है, पूरा गाँव भी दिखाई दे रहा है। नेचुरल व्यूज़ है यहाँ पे, जो है वो ज़्यादातर वही है। और एडवेंचर है वहाँ पे, बहुत सारे एडवेंचर है, वो जहाँ पे व्यू है वहाँ पे सिर्फ व्यू ही है। और ये व्यू, ये टनल, ये व्यू भी आप इसमें इस वीडियो में देख सकते हो। और यहाँ से अब जाना है गोल्डन सैंड बीच पे, जो इसी बोट से वो पूरा टनल से निकलते निकलते आपको बाहर लेके जाएंगे।
देगा वो होगा सेंट मेरी, ये जो दिखाई दे रहा है सेंट मेरी स्टेच्यू है, बाद में एलिफेंट रॉक है, ये देखने जैसी चीज़ें यहाँ पे। अंदर तो मेरे जहाँ तक दिखाई दे वहाँ तक जाने नहीं देते, जो कुछ का भी रिलीजियस प्लेस होगा वैसे ही लोग जाते होंगे, लेकिन जस्ट टू सी इट्स अ गुड प्लेसेस टू सी। बाद में ये जो गोल्डन बीच है, गोल्डन सैंड बीच, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया वेदर है। अगर सिर्फ बीच एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो बीच वाला एक्सपीरियंस भी आपका केरला टूर में इंक्लूड हो जाएगा, इट्स गुड वेदर ओवर देयर। और फोटोग्राफी के लिए भी जैसे आप ये फोटोज देख रहे हो इट इज मोस्ट ब्यूटीफुल। आराम से बैठो, इतने ज़्यादा लोग नहीं होते अभी, डिपेंडिंग अपन द वेदर आपके इस टाइम में गए उस तरह से। और वहाँ पे भी थोड़ा अलग अलग टाइप का एरिया से देखना जैसा है, वहाँ पे कुछ एरिया से जिसमें जाने के लिए नॉट अलाउड है, तो वो भी देखें अगर बच्चों के साथ जा रहे हो तो। एंड वहाँ पे हम ठहरे थे वो तो पुअर आइसलैंड रिसोर्ट, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस। आई वुड रिकमेंड इट टू दी ऑल लिसनर्स कि आप अगर यहाँ पे जाए तो यहाँ पे तो रहे ही रहे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है पुअर आइसलैंड रिसोर्ट में हम आ रहे हैं, वैसा जो व्यू है वो बोट से दिखाई दे रहा है, दिस इज़ अमेजिंग। और फोटोग्राफी भी आप देख सकते हो, दिस इज़ अमेजिंग। अगर आप सिनेमेटिक फोटोग्राफी जैसे पहले भी मैंने आपको बताया वो आप करें तो बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया यहाँ पे जो है वो, जैसे ये श्वेता जो जो झूले में झूल रही है, दिस इज अमेजिंग प्लेस। अगर आप उसको लाइव देखोगे वहाँ पे जाओगे तो बड़ों के लिए या फिर बच्चों के लिए भी दिस इज़ अमेजिंग टू सी। और यहाँ का फूड भी बहुत अच्छा है, ये फूड फोटो भी मैंने आपको यहाँ पे शेयर करके रखा हुआ है। सो दिस वॉज वी आर एट दी पुअर आइसलैंड रिसोर्ट एंड बैकयार्ड्स एंड गोल्डन बीच। ऑन सेकेंड डे वी हैव विजिटेड द कन्याकुमारी बाई आर सेल्फ्स, और जहाँ पे हम देखने गए थे विवेकानंदा रॉक मेमोरियल, जो विवेकानंद जी है वो वहाँ पे 3 दिन के लिए योग साधना करने के लिए, वहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए वहाँ पे गए थे। तो वहाँ पे ये मेमोरियल बना गया, अलग अलग कई सारे सेलिब्रिटीज़ और कई सारे ट्रस्ट और सब ने मिला के अलग अलग जो है वो फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट ने देकर ये पूरा का पूरा जो है वो एक ये बनाया हुआ। यहाँ पे भी लिस्ट भी लिखा हुआ है कौन कौन से ट्रस्ट और कौन सी डिटेल्स है, ये भी देखने जैसी चीज़ है कि कैसे ये जो रिलीजियस प्लेसेस है या फिर जो प्लेसेस है उसको कितने कितने लोग मिलके बनाते हैं। किसी अकेले लोग का जो है वो कंट्रीब्यूशन नहीं रहता, गवर्नमेंट का भी रहता है और दूसरे प्राइवेट लोगों का भी रहता है। और यहाँ पे देखने जैसी बात ये, यहाँ का जो पानी है वो बहुत, सीधी भाषा में बात करो तो बहुत ही ऊँचा नीचा होता है। तो अगर आप पानी से डरते हैं तो ये आपको बोट में का जो एक्सपीरियंस रहेगा वो सबसे ज़्यादा एडवेंचरियस रहेगा। अगर बोट में जाएंगे जब कन्याकुमारी से ये जाने के लिए जो पानी में जाना पड़ता है, ये पानी में है पूरा का पूरा। इसलिए यहाँ के जो फोटोज़ है ये वैसे देखने जाओ तो रिलीजियस प्लेस है, तो इट इज़ रिकमेंडेड कि अगर आप इस टाइप का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो ही जाए। जो कपल्स है सिर्फ घूमने के लिए आए उनके लिए ये जगह इतना रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप रिलीजियस में जाना नहीं चाहते तो की बात है। हम यहाँ पे थे 1 दिन के लिए, जो पूरा इसका लोकल मार्केट है वहाँ लोकल मार्केट भी घूमे और फिर वापस आ गए शाम होने होने तक पुअर में।
और ये शुरू होने जा रहा है 3 मार्च, त्रिवेंद्रमपुरम, इसको जैसे प्रोनाउंस किया जाता है ये, दिस इज समथिंग हार्ड। तो यहाँ पे जो है वो यहाँ का जो स्पेशल फूड है, दिस इज अमेजिंग। मुझे तो खाने में इतना मज़ा आया केरला में, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, इतना मज़ा आया खाने में, बात ही मत पूछो, दिस इज अमेजिंग। और यहाँ का जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैं जिसके लिए आया था वो पद्मनाभेश्वरम टेम्पल जो है, वही मेरा सबसे ज़्यादा मेमोरी रहेगा। ये जो फोटो है हमारा दोनों का, दिस इज़ अमेजिंग, अगर आपको यहाँ पे जाना चाहिए। अभी दिक्कत क्या होती है, यहाँ पे कई बार वेटिंग में भी बहुत टाइम के लिए भी खड़े रहना पड़ता है, तो फिर अगर आपका लक है तो ही आप ये दर्शन कर पाओगे, ये भी बहुत बड़ी बात है जो रिलीजियस मेमोरीज में बिलीव करते हैं उनके लिए। बाकी घूमने के लिए यहाँ पे जू है, जू बहुत ही बढ़िया है, ऐसा जू मैंने कहीं पर नहीं देखा, क्योंकि जो है वो पूरा बहुत ही बड़ा इलाका है, ये कोई छोटा सा नहीं है, जो प्राणियों को भी पूरा घूमने के लिए, रहने के लिए, पानी पीने के लिए, वो एक जो जगह मिलती है, जो आप अलग अलग फोटोज़ में देख रहे हो, बहुत सारे यहाँ पे जो है वो एनिमल्स हैं, बर्ड म्यूजियम भी यहाँ पे है, फिश म्यूजियम भी यहाँ पे है, चिल्ड्रंस के लिए बहुत ही बढ़िया ये जगह है, यहाँ पे जाए तो ज़रूर, जू में तो ज़रूर जाए। बाकी जो है वो ज़्यादा हमने लोकल मार्केट में शॉपिंग भी करा हुआ है, तो उसके भी अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं। बाकी शॉपिंग तो ठीक है, ये जो हैंडलूम वाली चीज़ है वही सबसे ज़्यादा बढ़िया है, अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो। बाकी तो सब जगह पे वही ब्रांड्स रहते हैं, जो ऑनलाइन ब्रांड्स हैं वो तो सब जगह पे वही रहते हैं, उतना कुछ कलेक्शन में जो चेंजेस है वो नहीं आते। तो ये था पूरा मेरा एक्सपीरियंस शेयरिंग वीडियो टू यू, इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो इन द केरला।